हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है और तभी हमें उठाना भी है। बट अभी इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है ताकि उसे आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए और बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आ सकते हैं। एज वेल एज बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो आपने इथेनॉल से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज काफी कुछ टाइम पहले सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से इथेनॉल के प्राइस बढ़ाए हैं। ओके, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। दूसरी वीडियो को जाके यहाँ पर देखिए, कल की डेट में भी यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी, तो इन वीडियो को जाकर देखिए, अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। प्ले लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर एट एनी टाइम। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ बातें करने वाले, पहले एक न्यूज दिखाने देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर शुगर के प्राइस, आपको शुगर के शेयर भागते हुए दिखाई दिए थे। क्यों भागते हुए दिखाई दिए थे? जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्राजील की जो यहाँ पर क्रॉप थी वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आई थी। ओके, वो प्रोडक्शन कम होता हुआ नजर आया था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एज रिपोर्टेड द शुगर कॉर्न प्रोसेस एथेनॉल प्रोडक्शन एंड द एथेनॉल सेल्स बाय मिल्स इन द साउथ सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री वर डाउन ऑल डाउन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ क्वार्टर। मतलब अक्टूबर में भी ये अच्छी खासी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, जो कि यहाँ पर कितने 36.79% से यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अभी भी ये वो क्राइसिस इस तरीके का यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉक से जिसे यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा, तो कौन सा स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, बट कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 2019-20 और 2021-22 तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2019 में एक वन टाइम यहाँ पर 0.30 का यहाँ पर डिविडेंड मिलता हुआ नजर आया था। इसके बाद 2020 में दो डिविडेंड यहाँ पर मिलते हुए नजर आए, 2021 में यहाँ पर अभी तक दो डिविडेंड, और डिविडेंड का साइज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर चीजें क्या नजर आती है कि चीजें काफी यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्टॉक्स में, तो यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी ये कंपनी दे चुकी है। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू, यहाँ पर फेस वैल्यू 5 की थी, यहाँ पर एक की अभी फेस वैल्यू चल रही है। 2016 में यहाँ पर स्प्लिट मिला था। एज वेल एज यहाँ पर इसके अगर रेवेन्यू देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर रेवेन्यू देख के हैरान रह जाएंगे कि कंपनी के रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्वार्टर यहाँ पर आपको पता ही है पैंडमिक का असर था, बट स्टिल यहाँ पर बात करें तो कंपनी देखिए धीरे धीरे 492, फिर 615, 673, 620 और 766 करोड़ रुपीस का इस बार का हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी काफी यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ देख सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी सारी 68.2 है। FIIs, DIIs यहाँ पर रखते नहीं है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 31.63% की होल्डिंग है, जो कि हम आगे और चीज देखेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 52 वीक हाई 330 रुपए पे शेयर यहाँ पर हाई लगाता हुआ दिखाया है 18 अक्टूबर को। उसके बाद अभी की बात करें तो 265 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। और लास्ट टाइम जब मैं इसे यहाँ पर बाइंग करने की सोच ही रहा था, बट यहाँ पर वो शेयर एक साथ यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। तो 250 एक ऐसा प्राइस यहाँ पर नजर आता है जहाँ पर आगे ये स्टॉक बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 250 के आसपास आएगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई नजर आएगी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते हो, जो गिरता हुआ नजर भी आ सकता है। 52 वीक लो की बात करें, 64 रुपीज का यहाँ पर 52 वीक लो है। अगर हम और पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर और पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक 250 KLPD ग्रेन बेस एथेनॉल यहाँ पर बना यूनिट असम में यहाँ पर बनाई है। उसके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से यहाँ पर क्लीन चिट भी इन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। नो डाउट कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो कंपनी का नाम क्या पहले वो देख लेते हैं। कंपनी का नाम है गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड। तो अगर हम बात करें गुलशन पॉली के नाम से यहाँ पर आप कह सकते हैं इस कंपनी के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी क्या क्या काम करती हुई नजर आती है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर स्टार्च शुगर एज वेल एज ऑन साइट प्लांट्स, सैनिटाइजर, एनिमल फीड्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी। इसके अलावा इनके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में नहीं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नेम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कंपनी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर अबिजान, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज कैमरून, कोस्टा रिका, यहाँ पर
इक्वाडोर, घाना, इराक, जॉर्डन, म्यांमार, नाइजीरिया, साउथ अरेबिया, एज वेल एज सीरिया, थाईलैंड, यूएई, मतलब यहाँ पर अलग अलग नाम है, अलग अलग कंट्रीज में ये कंपनी अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट आती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की बात करें तो देखिए स्टार्च शुगर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ये अलग अलग ब्राउन राइस सीरप्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो एक बार इनके यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट्स है सारे के सारे, एक बार देख सकते हैं इनके यहाँ पर ऑर्गेनिक स्वीटनर में ये कंपनी काम करती नजर आती है, नेटिव स्टार्च में, ऑन साइट सैटेलाइट पीसीसी प्लांट्स में कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर डिस्टिलरी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एज वेल एज एनिमल न्यूट्रिशंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है जो कैटल्स वगैरह के फीड्स में काम आते हैं। तो कंपनी काफी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ क्वालिटी, मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हुए यही कंपनी नजर आती है, इसकी तरफ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलगेट वगैरह, तो थोड़ा अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है ये कंपनी। इसके अलावा और भी चीजों की बात करें तो और भी कुछ यहाँ पर जान सकते हैं इनके बारे में, तो देखिए इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड सॉर्बिटॉल इन इंडिया। इट इज मार्केट लीडर विद अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इन द रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स, एज वेल एज बात करें मल्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनकी। यहाँ पर जीपीएल इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सर्बिटॉल एंड लिक्विड ग्लूकोज एंड स्टार्च, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर सीसी आर लोकेटेड। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, एक बार इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर जाके देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर, यूपी, धौलाकुआ, अबू रोड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है किस किस तरीके की कैपेसिटी है, इथेनॉल की एक्सपेंशन में यहाँ पर पैसे खर्च करती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है। कंपनी एस के टॉप प्रोसेस ऑफ सेटिंग जो कि यहाँ पर असम में हमने देखा ही अभी पढ़ा था, 300 की एलपीडी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज इट्स एग्जिस्टिंग साइट्स एट चिड़वाड़ा एमपी, एमपी में ऑलरेडी, और ये ऐसा में आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 1244 करोड़ रुपए, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, याद रखिए स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरती भी तेज, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पी रेशियो की, मतलब यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पी रेशियो की बात करें 13 के पी पे मिल रहा है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है 2517 का, डेट फ्री कंपनी यहाँ नजर आती है, कोई प्लेजिंग नहीं है। एज वेल एज यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू 233 रुपए के आसपास है और उसी के आसपास यहाँ पर शेयर भी लगभग चलता है, और 331 से 265 पे शेयर यहाँ पर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप यहां पर देख सकते हैं, बीच बीच में हर्डल्स भी आते रहते हैं, मतलब कंपनी शेयर प्राइस यहां पर अच्छे खासे तरीके से गिरता भी है, एक कंसोलिडेशन होता है। और ये क्यों क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है कि जो गुलशन पॉली है, जो एथेनॉल और ये शुगर से रिलेटेड ये काम करती हुई दिखाई देती है, तो एक ये साइक्लिकल या कह सकते हैं एक साइक्लिकल काम करती हुई नजर आती है ये चीजें। जब यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड होती है तो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से भागती है, अदरवाइज यहाँ पर बीच में गिरती हुई भी दिखाई देती है। अभी क्रॉप में प्रॉब्लम थी तो ये शेयर किस तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे खासे तरीके से शेयर भाग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक यहाँ पर सेल्स इनकी कम होती हुई दिखाई दी थी, बट स्टिल यहाँ पर अभी की बात करें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी बेहतरीन सेल्स हो रही है, क्योंकि अभी की सेल्स 277 करोड़ रुपए की हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, हाईएस्ट एवर 28 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट है, ईयरली बेसिस में यहाँ पर काउंट कर लीजिए 17 से 28, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे 26 से 28, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। एज वेल एज यहाँ पर बात करें एनुअल बेसिस पे, तो एनुअल बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, 204 करोड़, 254, 268, 277, 319, 95, 433, 492, 616, 674, 621, एज वेल एज 766, और अभी के पिछले 12 महीने की सेल्स 952 करोड़ रुपए जो कि हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ में है, 13 करोड़ से यहाँ पर 95 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। एज वेल एज यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 414 करोड़ का रिजर्व्स है। अभी कंपनी डेट फ्री थी, मार्च तक डेट फ्री हो गई थी अभी, बट यहाँ पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर बोरो किया है जो कि ना के बराबर ही 0.02% है। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में 14 करोड़ रुपए लगा रखे हैं जो कि अच्छी बात है। कैश की बात करें, कंपनी का यहाँ पर कैश भी अच्छा खासा है, 28 करोड़ रुपीस का कैश है, जो पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव रहा है पिछले 10-11 साल में। एज वेल एज बात करें यहाँ पर जो भी आरओसी है, तो आरओसी यहाँ पर अच्छा खासा 12-13-15% रह ही रहा है, तो इस चीज को भी देख सकते हैं, इस बार का आरओसी 25% है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें एज इट इज बनी हुई है 68.2% की। FIs की होल्डिंग की बात करें, FIs ने थे कि बिल्कुल भी शेयर नहीं खरीदे, बट इस बार यहाँ पर बात करें 0.14% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है FIs ने। DIs की बात करें, DIs के पास कोई होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई होल्डिंग नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक की, पब्लिक के पास जून क्वार्टर में 31.63% था, जिसमें से यहाँ पर ये 0.63% यहाँ पर किसने ले लिया है, FIs ने लेते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर 31.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा अदर्स में यहाँ पर देख सकते हैं, पब्लिक की बात करें, पब्लिक में 31.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। तो पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, FIs यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स का एज इट इज बनी हुई है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न पे अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो चार्ट पैटर्न आपके सामने है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कब से ये कंसोलिडेशन है, लगभग जुलाई से एक ही रेंज में ये शेयर जाता हुआ दिखाई देता है, ऊपर जाता है फिर दोबारा यहीं पर ही आता है फिर ऊपर जाता है फिर। तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, एक बेहतरीन सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, फिर भी अगर शेयर यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता है, जो कि मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने रिकवर नहीं किया, मार्केट अगर थोड़ी सी और रिट्रेस होती है, तो ये शेयर और यहाँ पर 10-20-30 रुपए यहाँ पर टूट सकता है। और 10-20-30 रुपए यहाँ पर टूटता है तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी तो पहला टारगेट यहाँ पर वही आएगा जो यहाँ पर इसने अभी ऑल टाइम हाई लगाया था 331 रुपीज का। और 331 का मतलब है लगभग 26% के रिटर्न, और 26% के रिटर्न अगर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो 3 से 6.5 महीने में भी मिल जाते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 26% के 6 महीने के रिटर्न मतलब 52% के रिटर्न कितने हो गए एक साल के अंदर अंदर, मतलब 40% से ज्यादा की CAGR आएगी, और जो आप पैसा टैक्स वगैरह काटने के बाद भी अपने पास पास बचा के रखेंगे। तो मतलब कंपनी अच्छी खासी है, इसी तरीके के ट्रेड यहाँ पर ढूंढने होते हैं। कंपनी आपको थोड़ा सा 20-25-26% की आपके स्विंग ट्रेड में यहाँ पर पैसे दे दे, दिस इज वेल इनफ देन अगर बात करें नथिंग। अगर अच्छा खासा शेयर है, बैंक जाने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करी है, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे है, डेट फ्री शेयर है, यहाँ पर अच्छे खासे लोग यहाँ पर बैठे हुए लेके, तो यहाँ पर विचार कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।